दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है 2022-23 कक्षा 10वीं। तो उसके लिए हम संस्कृत का जो प्रश्न बैंक गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किया गया है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। पूरा का पूरा उत्तर सहित प्रश्न बैंक के आंसर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जल्दी से सभी कक्षा 10वीं वाले दोस्त जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं, प्रश्न बैंक सभी सब्जेक्ट की आंसर सहित आपको प्रोवाइड करवा दिए। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं इकाई संपूर्ण, सभी इकाइयों की हम बात करने वाले हैं। देखिए, संस्कृत कक्षा 10वीं गवर्नमेंट ने जो आपके प्रश्न बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से सभी दोस्त अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और आप सभी दोस्त इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ, गच्छन इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो गच्छन में जो आपका प्रत्यय होगा वो शत्र होगा। पठनीय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठनीय में जो प्रत्यय होगा आपका वो होगा अनियर। सभी क्वेश्चनों को नोट करिएगा, इनमें से आपका 100% पूरा पेपर बनने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो जो भी दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने और भी हमारे अन्य वीडियोस को नहीं देखा है, वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें संस्कृत कक्षा 10वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको आज इसमें देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके आंसर आपको देखने को मिल रहा है। वी हाई इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो वी हाई में जो आपका प्रत्यय होगा वी हा और लप्य, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा वी हाई में जो प्रत्यय है वो लप्य है। तो इस प्रकार से वी उपसर्ग निकलेगा, हा धातु निकलेगी और लप्य प्रत्यय निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, हन धातु कथ प्रत्यय और संयोज्यक रूपम अस्ति, मतलब हन धातु को और कथ प्रत्यय को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों ये बनेगा आपका हता, क्या बन जाएगा, हता बन जाएगा। अगला देखिएगा, क्रीधन्तुमुन, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा क्रेतुम। अगला देखिएगा, गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गंतुम को मिलाएंगे दोस्तों, गंतुम में आपका प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको सभी आंसर राइट मिल जाएंगे। अभी आइएगा नीचे, ये रहे आपके सही आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, छत्र प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, विधान हाय, लप्य, हता, ठीक है, आपको मिल जाएंगे ये आंसर, आप देख सकते हैं। इकाई दो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सलिलम का पर्यायवाची क्या होगा, तो नीरम होगा। पवन का क्या होगा, वायु होगा। बाहर्य का क्या होगा, कांता होगा। और आमरम का क्या होगा, रसालम होगा। उसी प्रकार नीचे आओगे तो इसके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, ये रहे इसके आंसर। उसके बाद में इकाई तीन देख लीजिए, यहाँ पर आपको जोड़ी है, इसके जोड़ी आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर सही, ठीक है। इसी प्रकार पूरा सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये पीडीएफ पूरा पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ ये पेपर मिलने वाला है। तो क्लास टेंथ वाले जितने भी दोस्त हैं, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़, नोटिफिकेशन, पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको लिंक कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको और कौन से सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक चाहिए, कौन सी क्लास के लिए चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।